हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड, सिडनाज यानी सिद्धार्थ और शहनाज बिग बॉस में इनको खूब पसंद किया, खूब चाहा, खूब सराहा लोगों ने, इतना कि सर आंखों पर बैठाया और आज तक सर आंखों पर ही हैं। और लगता तो ऐसा ही है कि आगे ये जर्नी सालों दर सालों तक ऐसी ही चलती रहेगी, साल दर साल इसी तरह से सिलसिला सिडनाज के प्यार का चलता रहेगा ताउम्र। जी हाँ, सिद्धार्थ शहनाज बिग बॉस से बाहर आए और सबसे पहले उन्होंने कुछ किया तो वो था भुला दूंगा। जी हाँ, जिसको कभी भी लोग अपने दिलों से नहीं भुला पाए, अपने आप से दूर नहीं कर पाए, और इसको 100 मिलियन करवाना मानो हर एक का सपना हुआ। जी हाँ, जिस दौरान भुला दूंगा आया, हमने ये जर्नी अपनी आंखों से बहुत नज़दीक से देखी है, और चूंकि आपको हर एक रिपोर्ट देते रहे हैं तो फैंस के लिए भुला दूंगा को 100 मिलियन करना बिल्कुल सपने के समान था। लोगों को 100 मिलियन एनी हाउ भुला दूंगा को करना ही था, क्योंकि ये सिडनाज का पहला प्रोजेक्ट था और उनके लिए बिल्कुल सिडनाज के प्यार की तरह था, और फैंस ने वही किया, उसे 100 मिलियन तक पहुंचाया। लेकिन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, अब सिडनाज का वही भुला दूंगा हो चुका है 105 मिलियन कंप्लीट, यानी 105 मिलियन जो है कंप्लीट कर चुका है। और भुला दूंगा आज भी लोगों के दिल के उतना ही करीब है, लोग आज भी सुनते हैं, आज भी पसंद करते हैं, और उन्हें उन चीज़ों को देखकर जो मोमेंट जो उसमें बताए गए हैं सिडनाज के खूबसूरत से, उनको देखकर आज भी खुश होते हैं, आज भी मुस्कुरा देते हैं, आज भी उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वेल, आप कितना खुश हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ को आप देख पाएँ, क्योंकि हम लेकर आते हैं सिडनाज से जुड़ी, बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी हर एक खबर आपके लिए। टिल देन, बाय बाय।